नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम कुबेर पाटीदार। यहाँ पर आपको दो तरह के यहाँ पर जो निशान, जिसमें यहाँ पर ग्रीन टिक है और यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन 3A और अदर इन्फॉर्मेशन पार्ट 2 3B चला दर्शन है जो अपन को अपडेट करना है। और यहाँ पर जो एरोस दिखाई दे रहे हैं, इन एरोस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी पहले अपन देखेंगे 3A और 3B, जिसको अपन बोलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट और अदर इन्फॉर्मेशन सेकेंड 3B। यहाँ पर ये ऑफलाइन जो फार्म की प्रतियाँ हैं, यहाँ पर 3A और यहाँ पर सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन 3B। इसमें जो अपन ने नवीन प्रवेश तो करीब करीब कर दिए हैं अपन ने, उसमें जो 3A में जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे नवीन प्रवेश में, तो वो तो छात्र की अपन को मिल जाती है अपन ने जो नवीन प्रवेश किया है उसमें। और यहाँ पर दूरी जो होती है वो भी अपन को सबमिट करनी होती है। और सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उसका बेसिक है कि विद्यार्थी कहाँ पर रहता है, कौन से गाँव में रहता है, उसका रेजिडेंशियल और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने विद्यालय की है। इसमें शिक्षण का माध्यम अपना कौन सा है और जो स्टूडेंट है वो CWSN है या MDM, जो फैसिलिटीज़ अपने विद्यालय में चलती है उसके बारे में यहाँ पर अपन को टिक करना है। और उसके मार्क्स पिछले साल मतलब दूसरी से प्राइमरी शाला दर्शन में 2 से लगाकर कक्षा 8 तक की इन्फॉर्मेशन अपन को रिजल्ट से देनी है। 3A 3B को अपन इन्फॉर्मेशन देनी है अभी, इसलिए मैंने ये ऑफलाइन जो फॉर्म की प्रतियाँ इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबमिट करी है। आप पहले इसे अच्छी तरह से अपडेट कर लें, मैन्युअली भरने के बाद में ही इसे शाला दर्शन पर ऑनलाइन करें ताकि गलती होने की संभावना नहीं रहे। यहाँ पर हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक, प्रधानाध्यापक और यहाँ पर हस्ताक्षर छात्र के माता पिता एवं अभिभावक के। यहाँ पर आप देख रहे जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर ग्रीन टिक बता रहा है, इसका मतलब इस छात्र का 3A और 3B सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर ये बाकी है, जैसे ही आप इसको अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पर ये ग्रीन टिक सिंबल दर्शा देगा। अपनी जो अभी जो वर्क चलेगा नवीन प्रवेश के बाद में, उसमें समस्त क्लासों के जो अपन ने 1 से 8 तक हों चाहे 1 से 5 तक हो, शाला दर्शन पर 3A और 3B अपडेट करना है। 3A 3B अपडेट कैसे करना है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो अवेलेबल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।